अभी हमारे एक दोस्त ने एक एक फंक्शन में ये सवाल उठाया था कि उर्दू अदब कहां जा रहा है। सवाल वाकई अहमियत रखता था और मुझे लगा कि इस पर बाकायदा एक गुफ्तगू होना चाहिए। मैंने उर्दू प्रोसोडियन और उर्दू लिसानियात में जिनका बहुत वर्क है, बहुत काम जिन्होंने किया है, मोहतरम इकबाल हसन सहवा साहब, उनसे मैंने जिक्र किया कि उनकी क्या राय है। उनको बहुत पसंद आया मेरा आइडिया और उन्होंने भी यही कहा कि ये सवाल जो उठाया उन्होंने कि अदब कहाँ जा रहा है, ये केवल उनका सवाल नहीं है बल्कि ये आज के दौर में ये आम सवाल बनता जा रहा है और ख़ास तौर से उर्दू अदब के मामले में। तो ये जब उर्दू अदब की बात होती है तो इस मामले में अक्सर ये कहा जाता है कि साहब उर्दू अदब कहाँ जा रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या है, इस तरह के तमाम सवाल पैदा किए जाते हैं। लेकिन उनके जो जवाब हैं वो जिसको एक बहुत अच्छा लफ्ज है हिंदी में अनुत्तरित, जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने इकबाल साहब से जिक्र किया और उन्होंने मेरी इस गुजारिश को कबूल फरमाया। आज वो मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पर, इस मौजू पर एक बाकायदा एक गुफ्तगू की जानी चाहिए और अदब के मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिलों में। वो सारे सवाल तो हम लोग उस इसमें शामिल नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉमन जो उनके सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, उनको ऐसे सवाल हम लोगों ने दो चार आपस में डिस्कस करने हैं कि जिसमें ज़्यादातर सवालों का जवाब उनको मिल जाए। तो मैंने जैसे तारुफ आपको दिया, मेरे साथ हैं मोहतरम इकबाल हसन सहबा साहब, जिनके दो शेरी मजमूए मंजरेआम पर हैं और उनको बहुत मकबूलियत हासिल हुई है उन शेरी मजमुओं के हवाले से। उनमें से एक है तेरे ख्याल की परछाइयाँ और दूसरा है गजलों के दरख्त। दिल्ली के एक मशहूर पब्लिशर साधना पब्लिकेशंस ने इनको पब्लिश किया है और हिंदुस्तान की बात नहीं है बल्कि दुनिया में जितने भी बड़े बुक सेलर्स हैं वो पब्लिशर्स का जो है वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हैं और वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पर, बुक स्टॉल्स पर, रेलवे स्टेशंस पर उनके वो शेरी मजमूए दस्तयाब हैं। और उनको वैसे भी एक प्रोसोडियन जिसको कहते हैं हम छंद शास्त्री उर्दू गज़ल का, उर्दू गज़ल में जो अरूज जिसको कहते हैं उर्दू में, उसको हिंदी में छंद शास्त्री कहते हैं, उर्दू में प्रोसोडियन कहते हैं। और ये बहुत कम अभी हमारे एक बहुत अदीब हैं, बहुत बड़े, बहुत काम उन्होंने किया है। मथुरा में डॉक्टर के बी रमन डिग्री कॉलेज के डीन रहे हैं, वो HOD रहे हैं अंग्रेजी डिपार्टमेंट के, अंग्रेज जमान में तो उनको महारत है ही, मोहतरम जहीर हसन साहब, और उर्दू में भी बहुत काम वो कर रहे हैं। उन्होंने एक बार मुझसे ये बात कही, कहने लगे यार ये जो प्रोसोडी जो उर्दू का जो मामला है ये खत्म होता जा रहा है। सहवा साहब वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि एक ऐसा इल्म, एक ऐसा फन जो अरूज जिसको कहते हैं, आज जो लोग अपने आप को अरूजी कहते हैं या प्रोसोडियन कहते हैं, वो दरअसल है नहीं उनमें से ज़्यादातर, वो कहते ही हैं लेकिन जब भी गहराई में जाके उनसे कोई सवाल किया जाता है तो बगलें झांकने लगते हैं। हमारे सहबा साहब के साथ ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करके, बहुत वर्क करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम उस्तादों से राबता कायम करके और तमाम जो बुक्स हैं उनका मुताला इन्होंने किया है, बड़ी सोहबतें उठाई हैं बहुत अच्छे शोरा की और तब आज जाकर वो इस मुकाम पर हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं आज के इस प्रोग्राम में और मैं चाहता हूं कि अब इस चर्चा को शुरू किया जाए। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि आज मैं जिससे हम कलाम हूँ वो एक ऐसी शख्सियत है जो तमाम
अदब के तमाम विधाओं पर, अदब के तमाम पहलुओं पर एक यकसा दस्तरस रखते हैं, एक समान अधिकार रखते हैं। अगर मैं उनके मुतालिक बात करूं तो वो न सिर्फ एक मुसन्निफ है, न सिर्फ एक सहाफ़ी है, न सिर्फ एक मुबस्सिर तबसरा निगार जिसको समीक्षक कहते हैं वो है, बल्कि उर्दू अदब के एक बेहतरीन जाने माने एक हद अजीज शायर भी है, जनाब राजकुमार अंजुम साहब। राजकुमार अंजुम साहब की जहाँ तक मैंने इल्म उनके इल्म की वसतों को पढ़ा है और देखा है, मैं जानता हूँ कि वो न सिर्फ दुनिया की तमाम भाषाओं जिसे के उर्दू में लिसानियात कहते हैं, उसके अलावा छंद शास्त्र पिंगल यानी उर्दू में जिसको अरूज कहते हैं वो इसके माहिर हैं। मुझे बहुत फख्र है कि मुझे उनसे आज बात करने का ये अवसर, ये मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। मैं इसी पैराए में अदब के मतलब उनसे चंद सवालात करना चाहूँगा और इसका आगाज करते हुए मेरा अमीन साहब से ये पहला सवाल है कि उर्दू अदब जब अपने इब्तदाई मरहलों में था, जब शुरुआत इसकी शुरुआत हो रही थी अब से तकरीबन 250-300 साल पहले, तो उस वक्त तो तमाम ज़बानों से, मसलन अरबी ज़बान से, फारसी ज़बान से, हिंदी ज़बान से, संस्कृत ज़बान से और दुनिया की दीगर ज़बानों से जिसमें कि अंग्रेज़ी भी शामिल है, इन तमाम ज़बानों से अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छे अच्छे पहलू उसमें से इंतखाब करके, उसमें से उसको चयन करके उर्दू की गुलदस्ते को सजाया और उर्दू ने वो मुकाम हासिल किया कि जिसे बोलने वाला, जिसे सुनने वाला अपने आप को बहुत खुशनसीब, बहुत फख्र महसूस करता था। उर्दू के मुतालिक, इसकी मिठास के मुतालिक, इसकी हद नजीज के मुतालिक, इसको चाहने और समझने वाले के मुतालिक अगर शॉर्ट में एक मुख्तसर में एक शेर कहा जाए तो वो शायद इस तरह सोच सकता है कि वो उर्दू का मुसाफिर है, वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी जहाँ से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। गोया उर्दू जबान में अदब के साथ साथ तहजीब भी है, सलीका भी है, ये कहा जाता है, महसूस भी किया जाता है। और अंजुम साहब ने अपनी तख्लीकात, अपने मजमू, अपने शेर, अपने गज़ल पे एक तवील सफ़र से ये साबित कर दिया है कि वो इसमें गज़ल में या उर्दू अदब में एक महारत रखते हैं। मैं उनसे ये सवाल करूँगा कि जो उर्दू अदब, उर्दू ज़बान का जो आगाज़ हुआ था, उसके बाद हालात बदले, तरह तरह के हालात बीच में आए, हुकूमतें बदली, निज़ाम बदले, समाज बदला और उसके साथ साथ उसका असर उर्दू अदब पर काफ़ी हद तक पड़ा। और जिस ज़माने में आज हम हैं और ज़माने करवट ने लेकर हुआ जहाँ आज पहुँचा है, उसके साथ साथ उर्दू अदब पर मैं समझता हूँ कि कुछ नुमाया तब्दीलियाँ, नुमाया असरात भी उस पर आए हैं। मैं अंजुम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि उर्दू का आगाज, उर्दू के सफ़र का बीच का हिस्सा और उर्दू के आज के दौर में उर्दू ज़बान की अपनी क्या शनाख्त है, उर्दू ज़बान की अपनी क्या हैसियत है, उर्दू ज़बान का अपना क्या मुस्तकबिल है, उर्दू ज़बान कहाँ पर है, जनाब राजकुमार अंजुम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम इकबाल हसन सहवा साहब, और मैं शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहता हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तमाम दुनिया में उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू गज़ल को पसंद करने वाले अपने तमाम सामईन हजरात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में, और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम को सुनने के लिए निकाला। सहवा साहब का सवाल उर्दू जबान, उर्दू अदब, उर्दू गजल तीनों को अपने आप में समेटे हुए हैं। उनका सवाल ये था कि उर्दू अदब और उर्दू जबान की इब्तिदा और उसका जो बीच का हिस्सा रहा है आज,
वो कहाँ है उर्दू गजल और उर्दू जबान और उर्दू अदब कहाँ है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं अपने सुनने वालों से और इकबाल हसन सहवा साहब से भी कि दरअसल उर्दू जब वजूद में आई तो वजूद में आते वक्त ये कोई अदब की जबान थी ही नहीं, ये एक कम्युनिकेशन की जबान थी जिसको एक लश्करी जबान कहा गया। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ गुफ्तगू हुई है, मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका किस्सा कुल मिला के ये है कि जब यहाँ आक्रमणकारी जो हमारे जो मुगल हमारे मुल्क में इसको कब्जा करने के लिए यहाँ आए तो उन्होंने जो उनके जो लश्कर थे यानी उनकी आर्मी थी उनकी जो सेना थी वो जब यहाँ के लोगों से जैसे कि यहाँ जो नाई है यहाँ जो खाना बनाने वाले हैं यहाँ जो सफाई करने वाले हैं वो अपनी अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन ये दो ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान इनसे वाकिफ है, जानवर केवल इशारों में अपनी बात कहते हैं लेकिन इंसान जो है वो कोशिश करता है कि उसके पास लफ्ज हो हर बात को कहने के लिए ताकि वो इजहार ख्याल कर सके। ये फर्क है इंसानों में और जानवरों में। तो उन्होंने जब यहाँ कम्युनिकेशन की जो कोशिश की यहाँ के लोगों से तो बड़ी मुश्किलें पेश आई। यहाँ के लोग उनसे गुफ्तगू नहीं कर पाते थे क्योंकि इनकी जबान अलग थी, उनकी जबान अरबी फारसी और तमाम जो तुर्की और ये जो इलाकाई हमारे जो जबान के जो लोग थे यहाँ के खड़ी बोली वाले ब्रजभाषा वाले या हिंदी हिंदवी जिसको कहते हैं, हिंदी उस वक्त नहीं थी उसको हिंदवी कहा जाता था, तो वो जो गुफ्तगू करते थे वो एक बीच में जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि कोई अंग्रेजी बोलने वाला अगर कोई वेटर है किसी होटल में और वहां पहुंचता है और कोई उससे बात करता है डिमांड करता है कि हमें ये चाहिए ये चाहिए वो समझ नहीं पाता है तब भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने की कोशिश वो करता है और वो एक जबान बन जाती है टूटी फूटी जिसको वो भी समझ लेता है जो अंग्रेज होता है और वो वेटर भी समझ लेता है। यही किस्सा उर्दू का है कि एक ऐसी जबान एक ईजाद की गई जिसको रेख्ता कहा गया और बाद में और उस वक्त इसको लश्करी कहा गया जब ये वजूद में आई और वो केवल एक कम्युनिकेशन की जबान थी जिसमें एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन आपस में किया जाता था। तो ये तो उर्दू जबान का किस्सा है। लेकिन जब ये परवान चढ़ी धीरे धीरे इसको इसमें एक शीरीनी पैदा होती चली गई उर्दू जबान में क्योंकि उर्दू वालों ने क्या किया कि दुनिया की जो मुख्तलिफ जबानें थी उनमें से पांच छह जबानों से बहुत खूबसूरत जो लफ्ज थे वो उठा लिए और उसका एक बाद में एक शब्दकोश बनाया गया, एक डिक्शनरी बनाई गई, एक डिक्शन इसका जो आया। तो ये फोनेटिक जबान है असल में उर्दू जो इस फोनेटिक इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि खास तौर से जब हम गजल की बात करते हैं तो गजल में लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है, दो हरफी लफ्ज को भी एक हरफी करके कई बार पढ़ा जाता है और वहां से शीरीनी पैदा होती है जबान में इतनी मिठास। क्योंकि हमने ये देखा है कि उर्दू गजल से मोहब्बत करने वाले कई ऐसे हैं जो कॉन्वेंटेड पीढ़ी से आए हैं लेकिन उनको भी उर्दू गजल अच्छी लगती है। तो मैंने सवाल किया कि साहब आप उर्दू जबान से वाकिफ नहीं हैं लेकिन आपको उर्दू गजल से ऐसी मोहब्बत क्यों है। उनका ये हमें नहीं मालूम लेकिन हमें ये गजल जो है वो बहुत अच्छी लगती है और उसकी वजह यही है कि इसमें जो अदायगी है इस जबान की उसमें बहुत शीरीनी है और दिल में उतरने वाली जबान है और इसीलिए ये एक तहजीब का रूप इसने बाद में इख्तियार किया, एक तहजीब की शक्ल में आई ये जबान। तो आज हम ये कह सकते हैं कि उर्दू महज एक जबान नहीं है बल्कि एक तहजीब का नाम है। तो ये तो हुई उर्दू की इब्तिदा की बात। जब इसको आगे धीरे धीरे करके जब इसको आगे बढ़ा ये सिलसिला उर्दू का तो जो अदीब थे उन्होंने ये कोशिश की कि यार जब हर जबान में अदब लिखा जा सकता है तो उर्दू में क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो हर जबान का किस्सा ये है कि जब कोई जबान अदब के लिए उसका इंतखाब किया जाता है उसका सिलेक्शन किया जाता है तो पहले पोएट्री उसमें लिखी जाती है। ये हर जबान दुनिया की चाहे वो अरबी की बात करें आप फारसी की बात करें हिंदी की बात करें
महाकवि कालिदास और उन्होंने संस्कृत लिखा फिर उसको हिंदी में लाया गया, या जो पोइट्री बेहतरीन पोइट्री है हिंदी जबान की वो एक रामायण भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, इसी तरह से अरबी में है, इसी तरह से उर्दू में भी शायर कुछ शोरा हजरात आगे आए और उन्होंने गजल कहने की कोशिश की इस जबान में, और उनमें वली दकनी कुली कुतुब शाह जैसे नाम जिनको ये निर्विवाद रूप से जिसमें कोई विवाद नहीं है ये माना जाता है कि ये उर्दू के पहले शायर हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि उर्दू जो है वो एक हिंदवी एक जबान हुआ करती थी सन 1300 के आसपास, और वो खुसरो जो है उन्होंने बहुत काम किया है हिंदवी जबान में, तो वो उर्दू का इसमें कुछ लोग इसका मानते भी हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि खुसरो अमीर खुसरो हजरत अमीर खुसरो उर्दू में पहला ऐसा अदीब था, पहला ऐसा शायर था जिसमें बहुत काम उन्होंने किया है उर्दू के लिए, और वो जो हिंदवी थी जो जबान वो हिंदवी से बाद में पहले हिंदी नहीं थी, हिंदुस्तान में जो हिंदी थी वो असल में उर्दू और हिंदी का मिक्सचर हुआ करती थी वो, फिर बाद में हिंदी अलग से जबान हुई और उसमें अदब की तख्लीक हुई, लेकिन हिंदवी में जो अमीर खुसरो की जो तख्लीक है वो आज भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको रिकग्नाइज किया जाता है, और इसके बाद फिर वली दकनी और कुली कुतुब शाह ये जो शोरा हुए इनसे तो बाकायदा ये कहा गया कि ये एक इसके जबान के जो इब्तदाई दौर में जो अदीब हुए जो शायर हुए वो इनको माना जाता है, लेकिन इसको उस वक्त भी रेख्ता कहा जाता था, यहाँ तक कि मीर तक इसको मीर और गालिब को के जो दौर में भी इसको रेख्ता कहा गया। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि हजरत मीर तकी मीर के पास चीन से कुछ तुलबा आए और वो उर्दू के तुलबा थे, उर्दू में स्टडी कर रहे थे, उसको मालूमात अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मीर साहब से कहा कि साहब हम चाहते हैं कि एक मुशायरा हम लोग कर रहे हैं रेख्ता में और हम ये चाहते हैं कि आप उसमें शिरकत करें और आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं रेख्ता जवान में, आपको हम लोग चाहते हैं उसमें शिरकत है आपकी। तो कह लगे ये रेख्ता क्या है, अगर तुम रेख्ता जवान में मुशायरा कर रहे हो तो किसी रेख्ता वाले के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए। तो उन्होंने कहा साहब आप जो लिखते हैं वो रेखते ही तो है। तो उस वक्त तक तो मीर को भी ये एहसास नहीं था कि ये रेखता है, असल में जवान पे इस पे अदब काम करते चले गए लोग, लेकिन बाद में धीरे धीरे रेखता कहते हैं गिरे पड़े हुए को, जो गिरे पड़े हुए लफ्ज थे वो उठ के उसमें उर्दू में लाए जाते रहे और एक मिली जुली जबान जिसको सतखेरा जबान कहते हैं, कहीं की कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा जिसको हम कहते हैं, वो उस तरह से ये उर्दू जबान बनी जिसको रेख्ता कहा गया, बाद में रिफाइंड जब हुई तो इसको उर्दू कहा गया। तो ये तो इसका इब्तदा थी, और जब इसमें अदब की तख्लीक की गई गजल खासतौर से जब लिखी गई तो उसमें बहुत शीरीनी, फारसी में भी गजल लिखी जाती थी, अरबी में भी गजल लिखी जाती थी जिसको कसीदा एक फॉर्म था, वहां से वो चला और सिलसिला और फिर वो गजल तक आया, फारसी में बकायदा गजल लिखी गई और फारसी गजल से मुतासर होके उर्दू में गजल आई, और मीर ने इसमें बहुत काम किया रिफाइन करने के लिए इसको जबान को, क्योंकि जो लफ्ज होते थे जैसे कदू या वहाँ ये मीर ने बहुत इस्तेमाल किया, उस दौर के जवान थी ये रिख्ता, लेकिन बाद में यहाँ से यहाँ बना कभी से कभी बना, तो ये शायरी में जो रिफाइन किया गया जवान को इसमें मीर का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि हिंदी जवान को रिफाइन करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद दोधी का नाम लिया जाता है, इसमें मीर का बहुत बड़ा रोल है, और उन्होंने इसको अगर सही मायने में देखा जाए तो अदब की जबान बनाया। और जब गजल लिखी गई और गजल को पसंद किया गया तो फिर अफसाने भी लिखे गए, नॉवेल भी लिखे गए, और धीरे धीरे करके ये एक तरक्की पसंद तहरीर शुरू हुई जिसमें कि तमाम जबानों में जो अदीब थे वो इसमें जुड़े इस तहरीक से, उसमें उर्दू के भी अदीब जुड़े, तो उर्दू ने एक नया रूप इख्तियार किया, और इस तरह से वो जहाँ तक अदब की बात है उर्दू की बात है, आज के दौर में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि साहब उर्दू का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, ऐसा इसलिए पूछा जाता है कि उर्दू जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि उर्दू अब खत्म हो रही है, दम तोड़ रही है उर्दू, आखिरी सांसें गिन रही है, क्योंकि अब कोई भी यहाँ तक के जो मुस्लिम भाई हैं हमारे वो भी अपने बच्चों को उर्दू की तालीम
जिस ढंग से दिलाना चाहिए, ज्यादातर लोग नहीं दिला रहे हैं। अपने बच्चों का दाखिला जो है वो कॉन्वेंटेड स्कूलों में कराते हैं और चाहते ये हैं कि अंग्रेजी पढ़े उनका बच्चा चाहे, लेकिन उर्दू में उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो जाहिर है कि जब किसी जवान के साथ इस तरह का बर्ताव होगा तो उसका मुस्तकबिल उस पर असर पड़ेगा। और ये यही वजह है कि, लेकिन जहां तक अदब की बात है, उर्दू अदब की बात है, उर्दू अदब के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। उर्दू अदब पहले भी फरोग पा रहा था, आज भी फरोग पा रहा है। अगर आज उर्दू जबान अगर जिंदा है तो उर्दू अदब की वजह से ही जिंदा है। उर्दू अदब में काम बहुत हो रहा है, हुआ है, हो रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि आगे भी होता रहेगा, क्योंकि बहुत रिच है उर्दू का जो साहित्य है, उसका लिटरेचर है, वो बहुत रिच है और उसमें गुंजाइश है। और ये जो जबान है उर्दू, जब तक उर्दू अदब जिंदा है, मैं ऐसा मानता हूँ, तब तक उर्दू जबान भी नहीं मर सकती। तो ये उर्दू का मुस्तकबिल मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत रोशन है उर्दू का मुस्तकबिल। और सहबा साहब ने अभी जो सवाल किया, मैंने कोशिश की है कि मैं उनके सवाल के तमाम पहलुओं को अलग अलग जावियों से जो मैं महसूस किया, मैंने जवाब देने की कोशिश की है उनके, मैंने उनके सवाल का एक विस्तृत जवाब दिया है। अंजन साहब, मैं अगले पड़ाव पर आपसे ये दरियाफ्त करना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि हालात के तहत, अदवार के तहत, मुख्तलिफ दौर के तहत हर चीज में तब्दीली आती है। मसलन अगर मैं अगर बात करूं उर्दू अदब की, तो ये महसूस किया गया कि तकसीम हिंद यानी भारत के पार्टीशन से पहले जो उर्दू का मुकाम था वो काफ़ी अपने आप में रिश्ता था। हालात बदले, मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क आज़ाद होने के बाद निगाह गई कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन के एतबार से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी की तालीम को फरोग दिया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया। उसका असर क्या हुआ कि उर्दू जबान गोया वो थोड़ा सा पीछे चली गई और हमारे उस वक्त के नौजवान, उस वक्त के तलबा, उस वक्त के स्टूडेंट्स ने ये महसूस किया कि हम वो तालीम, वो इल्म हासिल करें जिससे कि न सिर्फ हिंदुस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो, हिंदुस्तान उन्नति करे हर एतबार से और हम भी उसमें आगे बढ़े। नतीजा क्या हुआ कि उर्दू थोड़ी पीछे चली गई और वो रिचनेस जो पार्टीशन के पहले थी वो धीरे धीरे वो कम होती गई। लेकिन जैसे कि अहमद साहब ने उर्दू की इसकी खूबसूरती, उसकी तारीफ के मुताबिक जो उन्होंने बात कही है वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि जाते जाते उर्दू इतना अट्रैक्शन छोड़ गई, इतनी दिलचस्पी छोड़ गई, इतने असरात छोड़ गई कि आने वाले नए नौजवान वो इसकी उर्दू की चाशनी में, उर्दू की मिठास में इतने डूब गए, उनको ऐसा लगा कि ये उर्दू जबान अगर हम नहीं बोलेंगे, उर्दू जबान में शायरी नहीं करेंगे तो हमारा जो हॉबी है, हमारा जो जौक है वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ मैं आज देखता हूँ कि उर्दू गज़ल की मकबूलियत को देखते हुए, इसकी उन्नति को देखते हुए, इसके असर को और मुशायरों की तादाद को और उर्दू की खूबी को देखते हुए बहुत नौजवान, बहुत लोग, बहुत शायद इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। वो चाहते हैं कि उर्दू का जैसे आगाज़ हुआ था उर्दू गज़ल का, उसमें जो तरतीब अल्फाज हुआ करती थी रवायतदारी के लिए, अल्फाज का इंतखाब किया जाता था, उसमें मिठास पैदा की जाती थी, उसकी बहरों के अतबार से उसमें हुस्न पैदा किया जाता था, आज वो ज्ञान, वो इल्म हमारे नौजवान में उस एतबार से उतना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि हम गज़ल को ज़रूर टच करें, इसका लुत्फ हासिल करें, शेर कहें, गज़ल को आगे बढ़ाएं। लेकिन वो कहीं कहीं अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर और बेबसी पाते हैं। लेकिन हम तो क्या इस दौर में उन ऐसे आने वाले नौजवान को जो उर्दू गज़ल के माध्यम से उर्दू को आगे ले जाना चाहते हैं, अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, उनको हम उत्साहित करेंगे या हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे या उनके माध्यम से उर्दू के मुस्तकबिल
तो हम कहाँ पाएंगे। मैं जनाब अनिल साहब से गुजारिश करूँगा तो वो इस पर अपने शायद के इजाज़ फरमाए। जनाब अनिल साहब, असल में सहबा साहब जो आपका सवाल है, आपका सवाल का सिलसिला जो है वो वहाँ से जुड़ता है कि जब मुल्क तकसीम हुआ, उस पार्टीशन हुआ हमारे मुल्क का, तो उर्दू का जवाल जो है वहाँ से शुरू हुआ। आप मेरा ख्याल है यही कहना चाह रहे हैं। उस वक्त काफी उर्दू तरक्की पर बिल्कुल थी और बहुत खूबसूरत दौर था उर्दू का, वो बहुत अच्छी उसमें तख्लीक उर्दू में अदब की जा रही थी, गजल बहुत परवान चढ़ रही थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो आपका सवाल है तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि असल में जब मुल्क तकसीम हुआ और जब ये डिस्प्यूट हुआ मुल्क का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो ये जो दो जबानें थी हिंदी और उर्दू, ये भी गैर होने लगी एक दूसरे की नज़र में। हिंदू के लिए उर्दू जो है वो समझने लगा कि ये तो मुसलमानों की जबान है, और मुसलमान जो है हिंदी को वो ये समझने लगे कि ये तो हिंदी जो है ये हिंदुओं की जबान है। और जब इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो एक हम लोग कहते हैं कि फूटी आंख ना देखना, तो एक दूसरे की जबानों को वो एक वक्त वो आया कि फूटी आंख देखना नहीं चाहते थे लोग। उर्दू तकसीम के वक्त जो है वो असल में सबकी जबान थी, ना हिंदू की उर्दू थी ना मुसलमानों की उर्दू थी, उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान थी और सभी उर्दू में गुफ्तगू करते थे। हिंदी और उर्दू के लफ्ज आपस में उनका जो इम्तजाज था, उनका जो संगम था, वो ऐसा गहरा था कि यही नहीं पता लगता था कि हिंदी का लफ्ज है या उर्दू का लफ्ज है। बाद में इसको बाकायदा रिसर्च कर करके इसको छांटा गया कि यार ये उर्दू के लफ्ज है तो ये हटा दो हिंदी से। यहाँ तक के जो जैसे ये असल में कुछ साजिश अंग्रेजों की भी रही है इसमें, कि जैसे सवाल है, सवाल का बहुवचन जो है वाहिद जमा जो होते हैं, एक वचन और बहुवचन जिनको हम कहते हैं, तो सवाल का बहुवचन जो है वो सवालों कहते थे हम लोग, आमतौर पर बोलचाल में लिखने में भी कहते थे कि सवाल और सवालों, मकान और मकानों, जवाब और जवाबों। तो कुछ ऐसे हजरत ऐसे जो एक दरार पैदा करना चाहते थे दोनों जबान के लोगों में, उन्होंने कहा साहब ये तो तरीका नहीं है इसको वाहिद को जमा बनाने का, ये बहुवचन बनाने का तरीका नहीं है। सवाल का तो जो फारसी का लफ्ज है और उसका अगर हम जमा से उसको वाहिद से जमा बनाते हैं तो सवालात होना चाहिए, मकान को मकानात होना चाहिए, जवाब को जवाबात होना चाहिए। तो ये जब फर्क किया गया तो हिंदू भाइयों को लगा कि यार ये जबान तो वो जबान नहीं है जिसको हम लोग बोलते चले आ रहे थे अभी तक। हम लोग तो सवालों बोलते थे, मकानों बोलते थे, जवाबों बोलते थे। तो एक साजिश के तहत भी ये काम किया गया और इसमें अंग्रेजों का भी रोल था शामिल। दूसरी बात ये कि जब वो मुस्लिम भाई हमारे जो थे वो पाकिस्तान एक मुल्क बना अलग से, तो वो पाकिस्तान चले गए, तो हम लोगों ने उनसे ये कहा, उन्होंने दो चीजें मांगी थी यहाँ। एक तो उन्होंने कहा था कि हमें कश्मीर दे दीजिए आप, और दूसरा उन्होंने कहा था कि हमें उर्दू दे दीजिए। तो हमने कश्मीर तो उनको नहीं दिया लेकिन उर्दू को हमने बड़ी खुशी से उनको दे दिया कि बिल्कुल ले जाइए आप। वो उर्दू को ले गए और उन्होंने अपना उसको राष्ट्रीय भाषा बनाया वहाँ पाकिस्तान में, उर्दू राष्ट्रभाषा बनी वहाँ की। और हम लोग धीरे 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 करके उर्दू से दूर होते चले गए। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में जो एक डिस्प्यूटेड जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसको गिराया गया, तो ऐसे ही इख्तलाफ पैदा हुए हिंदुओं मुसलमानों के बीच में। और जो मुशायरे हुआ करते थे उसमें 6 दिसंबर 1992 के पहले हमारे हिंदू भाई भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे आते थे सुनने के लिए। उसके बाद एक ऐसा असर हुआ उसका, उस हादसे का, कि उन्होंने ये समझा कि मुशायरे तो कोई मुसलमानों की चीज़ है, ये इसमें हम लोग जाके क्या करेंगे। इसी तरह जब कवि सम्मेलन होते थे तो उसमें मुस्लिम भाई भी खूब आते थे, लेकिन वो बाद में उन्होंने कहा ये तो हिंदुओं की चीज़ है। तो ये जो अभी हुआ 6 दिसंबर 1992 में, यही चीज़ वो 1947 में जो उर्दू के साथ हुआ जी, क्योंकि जब इख्तलाफ इस तरह के पैदा होते हैं तो वो हर चीज़ पर असर डालते हैं, वो जबानों पर भी असर डालते हैं।
तो जबान जो है उर्दू जबान पजीर जो हुई है वो वहीं से उसका बुरा वक्त शुरू हुआ और आज तक वो संभलने का नाम नहीं ले रहा है सिलसिला। ये तो हुई उसको जो मुल्क के तकसीम से आपने जो सवाल आपका जुड़ा हुआ था मैंने वो बात आपसे की, लेकिन इतनी मीठी जबान उर्दू है कि उससे जो समझदार लोग हैं जो जो हिंदी हिंदू और मुस्लिम का फर्क नहीं करते हैं ये जो तासुब जो होता है ये असल में जो कमजरफों की चीज है। ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, हमारे मुसलमान भाइयों में जो कम पढ़े लिखे हैं वो हिंदुओं को दुश्मन की नज़र से देखते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं वो ऐसा नहीं है, ऐसे ही हिंदुओं के साथ है, वो मुस्लिमों को आज भी अपना भाई मानते हैं। आप अगर दुबई चले जाइए तो दोहा चले जाइए खतर चले जाइए तो वहाँ हिंदू मुसलमान इस तरह से मिलते हैं और इस तरह से मिल के रहते हैं साथ में बिल्कुल। ये पाकिस्तानी भी बहुत हैं वहाँ, हिंदुस्तान के भी लोग बहुत हैं, तो वहाँ तो यही पता नहीं पड़ता कि कौन शख्स पाकिस्तान का है और कौन हिंदुस्तान का है जब तक ये बात बताई ना जाए। तो ये फर्क और ये फिरका परस्ती जो है ये हिंदुस्तान में शुरू हुई और इसमें सियासतदानों का भी रोल है कहीं ना कहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि फूट डालो राज करो तो ऐसे ही यहाँ पे भी किया गया। और अब कुछ ये जो मोदी जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आए भले ही दिखावे के लिए उन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, ये होना चाहिए था, ये शुरू से ही होना चाहिए था और सियासतदान कोई भी हो ये बात उनको कहना चाहिए और उसको अमल में भी लाना चाहिए। मैं ऐसा लगता है मुझे कि मोदी पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि साहब वो कहते हैं करते नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं मैं गिनवा सकता हूँ, जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने है एक गरीब लोगों के लिए मकानों की, तो वो उसमें हिंदू मुसलमान देख के करीब 2.5-3 लाख रुपए की इमदाद दी जाती है, वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं दी जाती, वो मकान बना के भी देते हैं तो वो हिंदू मुसलमान को देख के नहीं देते हैं, वो बाकायदा जो गरीब हैं मुफलिस हैं जो जरूरतमंद हैं उनको देते हैं। गैस कनेक्शन उन्होंने उज्ज्वला योजना में दिए वो फ्री दिए, जो आयुष्मान योजना उन्होंने लागू की गरीबों के इलाज की वो भी वही है कि उसमें हिंदू मुसलमान देख के किसी को फायदा नहीं। तो ये सरकार जो है वो सबकी होती है, वो पार्टी कोई भी हो भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन जब वो सरकार बना लेती है तो वो सरकार पार्टी की नहीं होती, प्रधानमंत्री जो होता है मुख्यमंत्री जो होता है वो सबका होता है और मेरा ऐसा मानना है कि एक राजधर्म होता है जिसका पालन करना चाहिए उनको। तो ये राजधर्म का पालन पिछले 70 साल में ठीक से मैं समझता हूँ नहीं किया गया, इसीलिए उर्दू और हिंदी के डिस्प्यूट बढ़ते गए, तासुब पैदा होता गया, उसको कोई लगाम देने की कोशिश नहीं की गई। और अगर आप ये ना समझें कि आज वो बहुत अच्छा दौर कोई आ गया है, ऐसा नहीं है, वो हालात अभी भी हैं और वो तब तक रहेंगे कि असल में इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती, इसमें हम लोगों को करना है, हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और हम लोगों को अगर हम ये कहें कि साहब सारी जिम्मेदारी सरकार पे डाल दें कि साहब हमसे क्या मतलब, सरकार को करना चाहिए उर्दू के लिए काम, सरकार को करना चाहिए हिंदी के लिए काम, सरकार को करना चाहिए मुसलमानों के लिए, तो हम लोगों का आपस में क्या फर्ज है, हम लोगों को फर्ज नहीं है क्या, हम लोगों को करना चाहिए, सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। सरकारों ने उर्दू अकेडमी बनाई अलग अलग, हर प्रोविंस में उर्दू अकेडमी है, उसके लिए बाकायदा बजट अलॉट किया जाता है, उर्दू के लिए बहुत कुछ किया जाता है, मदरसे और लाइब्रेरीज और जो उर्दू अदब उर्दू लिटरेचर उसके पब्लिकेशन के लिए इमदाद दी जाती है, तो ये सब काम सरकार ही तो कर रही है। और एक सेंट्रल लेवल पे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है तो प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर एक जो है वो एक इदारा है बहुत बड़ा और वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, बहुत फंड दे रहा है लोगों को उर्दू के लिए काम करने के लिए, तो सरकारें अपना काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि जब से बीजेपी की सरकारें आई तो उन्होंने वो आज भी वो फंड उनको मिल रहा है, वो इदारे आज भी काम कर रहे हैं और उसको तो, लेकिन हम लोग काम अपना जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारा इल्जाम सरकारों पे डालेंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। हमें भी तो अपने बच्चों को तालीम दिलाना है, उर्दू हमें भी पढ़ाना है, हमें भी उनको बताना है कि बेटा उर्दू हमारे जो एक विरासत हमारी जो है वो उससे ताल्लुक रखती है, ये हमारी तहजीब एक रही है कभी, और हम अपनी तहजीब को जिस तरह से खत्म नहीं कर सकते तो उर्दू को कैसे खत्म कर दें, ये बात हम ही तो अपने बच्चों को बताएंगे लेकिन हम लोग नहीं बताते हैं। हम लोग खुद ही अब IAS PCS हम बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को खूब बनाया जाए, उसमें कोई बहुत अच्छी बात है, हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे तरक्की करें, लेकिन उर्दू से जो एक जवान हमारे हिंदुस्तान की जवान जिसको हिंदुस्तानी हम लोग कहते थे, जिसको अब आज उर्दू कहा जाता है, वो हिंदुस्तानी थी कभी,
तो वो हिंदुस्तानी जबान से हम इस तरह से विमुख कैसे हो सकते हैं? तो इस तरह से तो अगर हम करेंगे, और अदब की बात सहबा साहब ने कही और लिटरेचर की बात कही कि जो नए लिखने वाले हैं खासतौर से उनकी बात उन्होंने की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नए लिखने वाले उर्दू की गजल की नोक पलक संवारने का काम बड़ी खूबी के साथ कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनको ये तासुबी बातों से मैं समझता हूँ ज़्यादा मतलब नहीं है, और गजल जो है वो एक उर्दू शायरी की एक ऐसी विधा है, एक ऐसी सिन्फ है कि जिस पर बहुत काम अभी किया जा सकता है, बहुत काम किया जा चुका है। क्योंकि गजल का असल में क्या है मिजाज, विधा का है, सिन्फ का, गजल का जो मिजाज है वो ये है कि हर दौर में ये जो माहौल होता है उसको आत्मसात कर लेती है, समेट लेती है अपने आप में। अगर कभी गजल महबूब से गुफ्तगू का नाम हुआ करती थी और मुजरा उसमें लिखा जाता था, मुजरे लिखे जाते थे और इश्किया शायरी की जाती थी रवायती शायरी के नाम पर, तो आज गजल जदीद शायरी के नाम पर बहुत कुछ हमारे रोजमर्रा के जो मसले हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश गजल कर रही है। हम नए शोरा हजरात की जो बात करें तो बहुत सारी जो गजल की एक रवायत थी उससे हटके आज शेर कहे जा रहे हैं और आम आदमी की बात गजल कर रही है। तो आज की पीढ़ी वो पीढ़ी है कि अगर उसके मतलब की बात होती है तो वो सुनती है उसको मतलब की बात। हम भी अगर अपने बच्चे से कोई बात करते हैं और अगर उसको लगता है कि यार ये अपनी बात हमारे ऊपर थोपना चाह रहा है तो हमारी बात नहीं सुनेगा, वो धीरे से उठ के निकल जाएगा या कोई बहाना कर देगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि नहीं यार ये तो हमारे फायदे की कोई बात कर रहा है, तो ये हम जब गजल में आज हम उस तरह की बात करते हैं कि जो आम आदमी है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं, तो उनको हम सॉल्व करने की बात गजल में कर रहे हैं, रोटी की बात कर रहे हैं, भुखमरी की बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम सियासतदानों ने क्रिएट किए हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम अपने हुब्बे वतन का जो जज्बा है, देश प्रेम का, कौमी एकता की बात कर रहे हैं गजल में। असल में अदब जो है, कोई भी अदब हो, किसी भी जबान का अदब है, तो वो उसको बांटने वाला तो होना ही नहीं चाहिए। वो अदब वो होना चाहिए दिलों को जोड़ता है। और मुझे ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गजल जो है वो दिलों को जोड़ने का काम कर रही है आज। और खास तौर से जो नए लोग हैं जो लिखने वाले हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गजल में। और उर्दू भले ही वो इतना वाकिफ नहीं है जबान से, लेकिन उर्दू जबान के अल्फाज जो हैं बहुत अच्छे बखूबी उसको इस्तेमाल करते हैं गजल में और गजल को गजल की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। वो आपने सही फरमाया, मेरे इस्तेमाल का एक हिस्सा ये भी था कि हमारे वो नौजवान तबका जो अपनी दीगर तालीम के साथ साथ टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया की तालीम हासिल करने के क्या हुआ कि वो उर्दू से थोड़ा सा दूर हो गए और शायरी का उनको शौक़ है, वो ये महसूस करते हैं कि हमारी शायरी के लिए हमको उर्दू के मुनासिब अल्फाज का हम चयन नहीं कर पाते, इंतखाब नहीं कर पाते, और अगर उसकी जगह हिंदी के अल्फाज लाते हैं तो उसमें परेशानी ये आती है कि उसमें रवानी या जिसको फसाहत कहते हैं या जिसको हुस्न कहते हैं वो नहीं आ पाता, वो मजबूर हो जाती है। हम क्या करें, उनकी जो शायरी जो इस तरह से आज वो कर रहे हैं, हमें उसको किस नज़र से देखना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, या हमें ये ज़रूरत महसूस उनको कराएं कि उनको अभी उर्दू की तालीम पूरी तरह से हासिल करें और फिर उसके बाद वो गजल की तरफ आगे बढ़ें। आप इस मुतालिक मुझसे क्या कहेंगे? मैं एक खसूसी गुजारिश के साथ आपसे ये फिर से इस सवाल की उत्तर रोशनी डालना के लिए आपसे। जी जी, देखिए ये जो आपका सवाल है ये आज से तकरीबन 50 साल, 60 साल, 80 साल, 70 साल पहले अपनी अहमियत रखता था, लेकिन अगर हम आज के दौर में, आज के परिवेश में बात करें तो अब वो वक्त तो नहीं रहा कि हम उनसे ये तवक्को करें, ये उम्मीद करें नौजवान पीढ़ी के जो लिखने वाले हैं कि वो उर्दू को पहले बाकायदा सीखें, उससे बहुत गहराई में उतरें और फिर उसके बाद तख्लीक करें अपने अदब की। ये मुझे इंदीवर साहब जो बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने बहुत सारे बेशुमार गाने लिखे हैं, 15-20 हज़ार गाने उनके रहे हैं, बहुत बकूल गाने कई लिखे हैं, हमारे नज़दीकी हमारे बरुआ सागर से उनका ताल्लुक था,
और वो यहाँ आते भी थे, और मैं बम्बई में उनके पास जब जाता था तो मैं उनके पास अक्सर जाता था। मैं एक बार फिल्म इंडस्ट्री में मैं गाने माने फिल्मों में लिखने के इरादे से गया था, तो करीब महीने भर तक हम लोग दो दो चार चार घंटे रोज साथ गुजारा करते थे इंदीवर के साथ। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जब वो पहली बार यहाँ से बरुआ सागर से जब बम्बई गए और उन्होंने वहाँ फिल्मों में गाने लिखने का इरादा किया, तो उनसे उनको उर्दू उतनी अच्छी नहीं आती थी। थोड़ा बहुत उर्दू जानते थे, लफ्ज जानते थे, उर्दू का रस्मुल खत नहीं जानते थे, उर्दू के स्क्रिप्ट से वाकिफ नहीं थे। तो वहाँ पे लोगों ने उनसे कहा, कले साहब आप उर्दू जानते हैं? उस समय वो दौर था जब कैफी आजमी, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, बड़े बड़े नाम थे जो उर्दू में, उर्दू के शोरा हजरात जिनका शुमार होता था, मुशायरों के भी शायर थे, वो अदब के भी शायर थे और फिल्मों में बड़े कामयाब गाने भी उस वक्त वो लिख रहे थे। उस दौर में जब हिंदी पर गए तो जाहिर है उनसे इस तरह का सवाल पूछा गया और वो बड़ा बट नेचुरल एक स्वाभाविक सवाल था। उन्होंने कहा साहब मैं उर्दू जबान से, उर्दू रस्मुल खत से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं गजल भी लिख सकता हूँ, मैं गीत भी लिख सकता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब वो दौर ऐसा था कि खालिस उर्दू का दौर था, और अगर उर्दू नहीं जानता होगा तो उससे उस तरह की तवक्को करना बेमानी था। उनको वहाँ नकार दिया गया, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, और ये कहा गया कि हमें अपनी फिल्म में भजन थोड़ी लिखवाना है आपसे, हमें गाने लिखवाने हैं जो उर्दू में लिखे जाते हैं आजकल, गजल और नज़्म की शक्ल में लिखे जाते हैं। बेचारे वो वापस लौट कर आए, उन्होंने यहाँ दो तीन साल, ढाई साल यहाँ रह के उर्दू सीखी बाकायदा उस्तादों से, और फिर दोबारा वो गए, तो ये लगन की बात थी और ये माहौल की बात थी, ये परवेश की बात थी। वो दौर अब लौट के आने वाला नहीं है। आज हम अगर आज के नौजवानों से, जो नए दौर के नई नस्ल के नौजवान हैं और जो अदब उर्दू में लिख रहे हैं या कह रहे हैं, गजल कह रहे हैं, उनसे हम अगर इस तरह की बात करेंगे तो मुमकिन है कि वो अपना रास्ता ही बदल दें, वो उर्दू में तख्लीक करना ही बंद कर दें, हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें या किसी और जबान में लिखें, उनको लगेगा कि इतना मुश्किल है तो वो उस पर नहीं आएंगे। तो ये जो आपने बात कही कि उनको तस्लीम किया जाना चाहिए, उनको रिकग्नाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि असल में अदब जो है वो उसकी कोई जबान नहीं होती है। अदब जो है इंसानी नफ्सियात का, साइकोलॉजी का जो है वो इजहार है, और वो जबान उसमें कोई बाधा होती नहीं है। तो जबान का मसला जहाँ तक है उर्दू जबान का या हिंदी जबान का, वो बीच में लाना ठीक नहीं है, उसको हमें फ़र्क देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको उनके अदब को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज इतना कर रहे हैं तो अगर उनको लगन रहेगी तो आगे वो मुमकिन है कि वो उर्दू जबान उसका रस्मुल खत भी सीख लें, क्योंकि उनको जब ये समझ में आएगा कि यार बड़ी मीठी जबान है, बड़ी शीरीन जबान है, अगर हम इसको बाकायदा सीख लें तो हम इसका लुत्फ और बेहतर तरीके से ले सकते हैं। और ऐसे बहुत से शोरा हजरात गुजरे हैं, बहुत से अदीब गुजरे हैं कि जो पहले उर्दू नहीं जानते थे, लेकिन जब इस अदब में आए वो और उन्होंने तख्लीक की और धीरे धीरे उनको प्रमोट किया लोगों ने, तो उन्होंने बाकायदा उसको सीखा जबान को। उर्दू की बात नहीं है ये, अंग्रेजी हिंदी कोई सी भी जबान हो, जब हमें लगन लग जाती है तो कोई भी जबान को सीखना इंसान के लिए मुश्किल कोई काम करना नहीं होता, जबान सीखना तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। तो उनको प्रमोट हमें करना चाहिए। अब रह गई बात ये कि वो हिंदी और उर्दू के लफ्ज मिले जुले इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें कोई चीज़ जो इजहार करना चाह रहे हैं अपने ख्याल का, तो वो उनको लफ्ज उर्दू में नहीं मिला तो उन्होंने हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, उस पर कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उसको रिकग्नाइज नहीं करते उनके अदब को, ये कहते हैं साहब हिंदी तो इसमें हिंदी का लफ्ज अलाउ नहीं है। तो हमारे अपने वतन के बड़े नामवर शायर हैं शब्बीर अहमद सरोज झांसवी साहब, अभी उन्होंने दो तीन दिन पहले मुझे एक गज़ल सुनाई और उस गज़ल में उन्होंने जो काफ़िए इस्तेमाल किए वो हिंदी के काफ़िए बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किए। काफ़िए कुछ इस तरह के संघर्ष, हर्ष, वर्ष, ये जो काफ़िए फ़ायलातुन फ़ायलातुन फ़ायलुन एक बहरे रमल में उन्होंने बड़ी खूबी के साथ वो हिंदी के काफ़िए इस्तेमाल करे। तो ये असल में क्या है, ये लफ्ज़ों का जो बर्ताव है, ये अदीब कि जो उसकी समझ कितनी है, उसकी स्टडी कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है, वहाँ से इसका ताल्लुक है। और मुमकिन है कि वो हिंदी के लफ्ज को भी उर्दू गज़ल में इतनी खूबसूरती से पेश करें। फिराक गोरखपुरी का नाम सभी जानते हैं, फिराक गोरखपुरी ने बेशुमार लफ्ज, जोश मली आबादी ने बेशुमार लफ्ज हिंदी के इस्तेमाल किए हैं उर्दू शायरी में, और इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किए कि वो जैसे तने नाजुक, अब ये एक तन हिंदी का लफ्ज है और नाजुक जो है वो एक
उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिला जुला के उन्होंने उसको एक इजाफत के साथ इस्तेमाल किया है। पहली उन्होंने उसको जो इजाफत के साथ इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन बनाया जिसको हम लोग कहते हैं मरकब लफ्ज, जिसको कहते हैं दो लफ्जों को मिला के एक लफ्ज बनता है। ऐसे बेशुमार लफ्ज उन्होंने बनाए और बड़ी कामयाबी के साथ उनको अपनी गजलों में इस्तेमाल किया। तो जबान किसी की बबौती नहीं होती है, हिंदी और उर्दू कोई भी जबान, उर्दू का शायर भी हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि अभी हमने सब्बीर अहमद सरोज साहब का जिक्र किया, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस्तेमाल किए। हमारे सहबा साहब की भी कई गजलें आपकी हम अगर बात करें तो आपकी मैंने किताबें देखी हैं और आपने बहुत कई लफ्ज हिंदी के बहुत खूबसूरती के साथ उसमें इस्तेमाल आपने किया है। इसी सिलसिले में एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, इंटरनेशनल फेम का एक नाम है सागर त्रिपाठी, जो मुंबई से ताल्लुक जिनका है और पूरी दुनिया में इस वक्त उनकी तूती बोलती है उनके अदब की, उनकी गजल की, उनके साहित्य की, लिटरेचर की। जितना अच्छा हिंदी में लिखते हैं उतनी अच्छा उर्दू में लिखते हैं। तो बहुत बेशुमार लफ्जों का इस्तेमाल उन्होंने बर्ताव जो किया है अपनी गजलों में, हिंदी के लफ्जों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। हमारे डॉक्टर कलीम कैसर साहब, उनने हिंदी में शासन हार जाएगा दुशासन हार जाएगा एक उनकी गजल है बड़ी मकबूल, और जहाँ भी वो जाते हैं तो उनसे फरमाइश की जाती है डॉक्टर कलीम कैसर साहब से, गोरखपुर के एक शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं। तो ऐसे में बेशुमार हमारे वसीम बरेलवी साहब, हमारे फराग ने तो खैर किया ही है, राहत इंदौरी साहब ने फिल्मों में कई ऐसे लफ्ज गजल में इस्तेमाल किए हिंदी के लफ्ज जो बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किए और वो नगीने की तरह इस्तेमाल गजल में किए हैं जिसको कि हटा नहीं सकते हम। तो हमें उम्मीद अच्छी रखना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह का ये फ्यूजन है जबानों का, दो जबानों का, और फ्यूजन को मैं बुरा नहीं मानता। ये वैसे ही है कि जैसे अगर कोई बंगाली लड़की अगर किसी पंजाबी लड़के से शादी करती है और उनकी जो शादी है वो सिलसिला बहुत अच्छा चलता है, अच्छी कामयाब शादी रहती है, तो उसमें हर्ज कुछ नहीं है। लेकिन अगर शादी करी और वो शादी चली नहीं, टूट गई जबानों की वजह से या अलग अलग प्रोविंस की बात है, तो फिर वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर दो जमाने हिंदी और उर्दू का कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि जब ये मिलके काम करती हैं तो बहुत अच्छा काम होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें दोनों जबानों को फ़र्क मिलेगा और ये सिलसिला इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसको आगे इस पर बाकायदा काम होना चाहिए, उन लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए जो नए लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बेशक आपने सही फरमाया जी साहब, मैं अगर गुज़श्ता 50-60 साल पहले की अगर बात करूँ तो एक दौर ऐसा आया कि जब गज़ल अपने सफ़र में एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां उसके चाहने वालों की, उसके दीवानों की बे इंतहा तादाद पहुँच गई और गज़ल 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 हर तरफ गज़ल का शोर, और गज़ल का शोर जो उठा है, गज़ल का जो ज़ौक उठा है, गज़ल की जो चाशनी है उसका शौक उठा है, वो अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में ये बेगम अख्तर एक नुमाया नाम है जिन्होंने उर्दू गज़ल की गायकी को आगे बढ़ाया। उसके बाद जगदीश सिंह साहब और चेता सिंह साहिबा, इन्होंने गज़ल को लेकर बहुत इस गज़ल को आगे बढ़ाया। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मेहदी हसन और गुलाम अली नूर जहाँ बेगम अख्तर, ये मुन्नी बेगम और बालबानी जी, इनका भी नाम लिया जा सकता है, निजर नूर का भी नाम लिया जा सकता है। इन्होंने जो खूबसूरत गज़लें जो पेश की हैं उससे न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया के नौजवान गज़ल के पीछे दीवानी होकर रह गए। और जाहिर है कि गज़ल में उर्दू अल्फाज, उर्दू तहजीब, उर्दू ज़ुबान का एक लाफानी सिलसिला था, उसमें अल्फाज का बहुत खूबसूरत ज़खीरा था, लोग उन अल्फाज से मायूस हुए, वाकिफ हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। इस एतबार से मैं अजीत साहब आपसे ये अर्ज करूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि इसमें हमारे उन गुलकारों का, उन गाने वालों का क्या ताबुन है, क्या योगदान है, उन्होंने उस गज़ल को, उस गज़ल को कहाँ तक, किस हद तक पढ़ाया है। बहुत बड़ा ताबुन है सहबा साहब, और मैं तो ये कहूँगा कि एक दौर ऐसा आया था, एक वक्त ऐसा आया था जब ऐसा लगता था कि उर्दू गज़ल शायद दम तोड़ देगी। तो उस वक्त में बेगम अख्तर साहिबा, उन्होंने गज़ल, वो ठुमरी और दादरा की असल में बुनियादी तौर पर सिंगर थी, लेकिन उन्होंने उर्दू गज़ल को जब आवाज़ देना शुरू किया तो उनके जो दीवाने थे,
क्योंकि उनके दीवाने तो ठुमरी और दादरा वो गाती थी तब भी थे। उनको लगा कि यार ये गजल इस तरह भी गाई जा सकती है क्या, जिस तरह से उन्होंने गजल को पेश किया। क्योंकि गजल को असल में कभी खानकाहों पे, दरगाहों पे कव्वाली की शक्ल में गाया गया, कभी मुजरों की शक्ल में गाया गया बादशाहों के दरबारों में और नवाबों के कोठों पर गाया गया, नवाबों के दरबारों में गाया गया, बादशाहों ने उसको मुजरे की तरह से उसको गजल को गायकी को। असल में हुआ क्या कि एक वक्त में ऐसा था कि बादशाह जो होते थे वो जितने भी फनकार हुआ करते थे, चाहे वो मौसीकार हों, चाहे वो गजल के लिखने वाले शायर हों और चाहे वो गजल के गाने वाले हों, बेहतरीन से बेहतरीन जो होते थे वो उनको वो अपने दरबार में अटैच कर लेते थे, उनको एक वेतन सैलरी की तरह से कुछ अमाउंट उनका फिक्स कर देते थे। और फनकारों की, हिंदुस्तान के फनकारों की अगर हम बात करें खास तौर से, तो ये बदनसीबी उनकी रही है कि फाइनेंशियली वो वीक रहे हैं हमेशा से। तो जब किसी दरबार का, किसी बादशाह का उनको साथ मिला और उनको एक सैलरी भी उनने फिक्स कर दी, तो फिर उन्होंने वो काम किया जो वो चाहते थे बादशाह। जाहिर है जो जो पैसा दे रहा है वो जो जिस तरह का काम चाहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो ये जो म्यूजिशियंस थे, मौसीकार थे, उन्होंने चाहा कि ये सारंगी नवाज हों या तबला नवाज हों या हारमोनियम के प्लेयर हों या और दीगर साज हमारे सितार, वो मुजरे में उनके जो दरबार में जो मुजरा होता है उसमें आके बजाएं, वो वहाँ चले गए। शायरों ने गजल को उस तरह से लिखा कि वो बादशाह को अच्छी लगे गजल, ताकि उनका सैलरी और बढ़ा दी जाए। तो उस तरह से गजल, तो वो गजल को उन्होंने एक ऐसा रूप दिया कि लोगों को गजल से, जो पढ़े लिखे लोग थे जो खास तौर से, और जो मजहब और तमाम और दीगर जो इल्म जो होते हैं उनसे ताल्लुक जिनका था, उनको ये लगा यार ये तो कोई बहुत सस्ती चीज है गजल, उनको सस्तापन लगा उसमें। लेकिन बेगम अख्तर ने उसको जब अपनाया गजल को, तो लोगों को लगा कि यार अगर ऐसी सस्ती चीज होती तो बेगम अख्तर इसको क्यों गाती। तो फिर दिलचस्पी पैदा हुई लोगों की और लोगों ने उसको गजल को सुनना शुरू किया। बेगम अख्तर की गायकी में गजल को उन्होंने महसूस किया कि गजल है क्या। उसके बाद में फिर मेहदी हसन साहब आए पाकिस्तान में, जगजीत सिंह साहब आए हिंदुस्तान में। तो ये जो तीन नाम हैं, बेगम अख्तर, मेहदी हसन और जगजीत सिंह, जैसे कि इलाहाबाद में संगम है और तीन नदियों का वो संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, मैं तो ये कहूँगा कि ये तीन जो नाम हैं ये एक तरह से एक संगम ये था जो गजल को फरोग देने के लिए जो काम हुआ है। उसमें मेहदी हसन साहब का पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जगजीत सिंह और बेगम अख्तर, बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़ा काम है इनका। मैं गुलाम अली साहब ने बहुत काम किया गजल में, लेकिन उनका नाम मैं यहाँ इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उन पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि उन्होंने गजल को गजल की तरह नहीं गाया। असल में वो क्लासिकल के बहुत बड़े सिंगर थे और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के वो शागिर्द रहे हैं, इसीलिए गुलाम अली अपने नाम के साथ उन्होंने जोड़ा। और गजल को उन्होंने जब गाया तो उसमें पूरा फन जो मौसीकी का था वो उसमें उड़ने की कोशिश उन्होंने की। उसमें हुआ क्या कि गजल का बड़ा नुकसान हुआ, जो लफ्ज थे वो चबा चबा के कभी कभी पेश करते थे या लोगों को आलाप में और मुर्कियों में वो लफ्ज जो है समझ में भी नहीं आते थे कि क्या गा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मेहदी हसन और जगजीत सिंह और बेगम अख्तर ने एक एक लफ्ज को उभारा गजल की, गजल की गायकी जो है असल में उसमें और दूसरी जो दीगर गायकी है उसमें बड़ा फर्क है। गजल की जो गायकी है वो शब्द प्रधान गायकी है, वहाँ लफ्जों की अहमियत होती है। आप जो गा रहे हैं एक एक लफ्ज सुनने वाले की समझ में आना बहुत जरूरी है, अगर लफ्ज समझ में नहीं आएगा तो शेर का मतलब खत्म हो जाएगा। और गायकी में आप आलाप ले रहे हैं, मुर्गियां ले रहे हैं, आरोह अवरोह जो भी आप कर रहे हैं उसमें अच्छा लग रहा है, हुनर दिखा रहे हैं अपनी संगीत का, गायकी का, अपनी आवाज का आप दिखा सकते हैं और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है, आपके हुनर के चक्कर में लफ्ज किल नहीं होना चाहिए, शब्द का हत्या नहीं होना चाहिए, ये फर्क होता है। इस फर्क को महसूस किया हमारे बेगम अख्तर साहिबा ने, हमारे जगजीत सिंह साहब ने, गुलाम अली साहब ने, और अगर उसके आगे हम बात करें तो इकबाल बानो पाकिस्तान में जो एक बड़ा नाम रहा है, हमारी फरीदा खानम साहिबा, नैया नूर, तो ये तमाम सिंगर जो हैं इन्होंने गजल को गजल की तरह गाया। और आज के दौर में अगर हम गजल गाने वालों की बात करें तो चंदन दास, पंकज उदास साहब ने भी बहुत अच्छा गजल के लिए बहुत काम किया है, हरिहरन साहब बहुत अच्छा गजल को गा रहे हैं, और
इस दौर में अगर हम कहें तो अनुप जलोटा और उसके बाद जसवंत सिंह साहब बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग गजल गायकी के लिए। और एक और नई गायिकाओं में अगर हम नए गायक गायकों की बात करें और अपने वतन से ताल्लुक रखने वाले सिंगर्स की बात करें तो समीर भाले राव साहब, मेघना कुमार, हमारी सुषमा बरसैया, ये लोग गजल को बहुत अच्छे से आवाज दे रहे हैं और गजल को उसी तरह से गा रहे हैं जैसे गजल को गाया जाना चाहिए। तो इनका वाकई बहुत बड़ा रोल है और अगर ये लोग आगे नहीं आए होते सिंगर्स, क्योंकि असल में क्या होता है कि गजल को नीरस बना के जब पेश किया गया तो लोगों को लगा नीरस चीज कोई भी पसंद करता नहीं है आदमी, ये फितरत है आदमी की। आज अगर टीवी पे कोई सीरियल आ रहा होगा या कोई फिल्म आ रही होगी उसको अच्छा ही लगेगा तो रिमोट हाथ में रहता है, फौरन चैनल बदल देता है वो, तो गजल को क्यों सुनेगा वो। गजल उसको जब पसंद नहीं आई तो उसने गजल को सुनने से तौबा कर ली, लेकिन जब इन लोगों ने गजल को अपनाया और एक नई शक्ल देके एक नया रूप देके गजल को पेश किया लोगों को गजल के शौकीनों के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर से गजल को अपनाया और आज 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 ये स्थिति है कि गजल को उसी तरह से फिर से पसंद किया जा रहा है। और उसको फिल्मों की हम बात कर सकते हैं इस मामले में कि फिल्मों में फिल्म वालों ने भी गजल को बहुत फर्क दिया। पहले जो फिल्में होती थी असल में दिखने वाले जितने भी होते थे, जैसे मैंने कहा कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी और मजरू सुल्तानपुरी, आपके कैफी आजमी, तो ये तमाम लिखने वाले जो है ये गजल के शायर थे और इन्होंने अपनी गजलों को, बल्कि कई तो गैर फिल्मी इनकी गजलें थी, फिल्मों में ले आई उन गजलों को और इस खूबी के साथ लाए कि लोग समझ ही नहीं पाए कि गैर फिल्मी गजल को सिचुएशन पे उन्होंने उतार दिया और वो कामयाब भी रही और लोग उसको समझ भी नहीं पाए। ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये शायर साहब की गैर फिल्मी गजल थी जिसको उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ फिल्म में लाए, बहुत हल्का सा उसमें बदलाव किया, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, ये शकील साहब की एक प्राइवेट गजल थी जिसको उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा, बहुत मकबूल गजल उनकी थी, उसको फिल्म में बुलाए। ऐसी बेशुमार गजलें हैं जिनको हमारे लिखने वाले ये शायर शोर हजरात थे, तो वो गजल को मकबूल करने में ये स्थिति बनी कि हर फिल्म में एक दो गजलें जरूर होने लगी। गीत तो होते ही थे लेकिन गजलें भी फिल्मों से ही पॉपुलर हुई और गजल को लोगों को लगा कि यार ये बड़े बड़े नाम हैं कई जो गजल और गीत का फर्क नहीं समझ पाते, ये क्योंकि बहुत बारीक फर्क है। गजल में एक मतलब होता है फिर हर दूसरी लाइन में रिपीट होता है, रदीफ काफिया तो उसको शेर कहते हैं और आखिर में एक मख्ता होता है। गीत में जो शेर होता है गजल का वो दो लाइन का होता है, गीत में तीन लाइन चार लाइन, नज्म या गीत में वो हम कर सकते हैं, वही यही फर्क होता है। फॉर्मेट एक सा होता है, मीटर एक सा होता है दोनों का, तो फर्क नहीं समझ पाते लोग। लेकिन वो भले ही ना समझ पाए हों लेकिन ये मजरू सुल्तानपुरी साहब की बहुत एक प्राइवेट बहुत कामयाब गजल थी कि हम हैं मताए कूचे बाजार की तरह और उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम और हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, ये उनकी प्राइवेट गजल है, उन्होंने उस तरह से ही उसको फिल्म में भी शामिल किया। तो ये खूबी थी उनकी फिल्मी जो गीतकार थे, क्योंकि वो गजल के माहौल से आए थे तो उन्होंने गजल को फिल्म में भी पॉपुलर किया। तो फिल्म वालों का भी मैं चाहता हूँ कि ज़रूर जिक्र होना चाहिए इस सवाल के साथ साथ, आपके सवाल के साथ साथ, उन्होंने बहुत फ़र्क दिया गजल को और आज अगर गजल जिंदा है तो गाने वालों की वजह से और इन फिल्म वालों की वजह से जिंदा है। आपने अजीत साहब ये बहुत अहम और बहुत अच्छी बात बताई कि उर्दू ज़बान, उर्दू अदब और गज़ल को आगे ले जाने में हमारी गज़ल बेस्ड फिल्मों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये आपने एक बहुत नुमाया और बहुत अहम बात गज़ल के सिलसिले में बताई, मैं इसके लिए आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अगले सवाल की तरफ अगर पढ़ता हूँ तो जब उर्दू को पढ़ने वाले, उर्दू को समझने वाले इस नई तालीम के तहत कम होते गए और एक वक्त ऐसा आया कि उर्दू अब हाल हाल ही रह गई है, कुछ मजबूरियाँ भी हैं जिसकी वजह से हम और दीगर लोग उर्दू की तरफ उतनी तवज्जो नहीं दे पाए। एक नई तरकीब सामने आई कि उर्दू को चलो ऐसा करते हैं देवनागरी में लिखना शुरू करते हैं ताकि उर्दू जो कायम रहे
आप इस अमल इस देवनागरी की तरकीब तरीके इस विधा को आप इस मुताबिक आप क्या कहेंगे कि ये इसमें उर्दू कहाँ पर है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने ये अर्ज किया था पहले कि अदब जो है वो जबानों का मोहताज नहीं होता, और आप जो देवनागरी की बात कर रहे हैं, असल में जब देवनागरी जबान में या हिंदी जबान में गज़ल लिखी जाती है, उर्दू की गज़ल अगर हम स्क्रिप्ट अगर उसकी बदल के देवनागरी भी कर देंगे तो गज़ल वो उर्दू की ही रहेगी, हिंदी की नहीं बन जाएगी वो। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए उसको हम हिंदी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, उर्दू की चीज़ है वो तो उर्दू ही की रहेगी, वो हिंदी की नहीं। उसे हिंदी की कोई लफ्ज़ है उसको अगर हम उर्दू स्क्रिप्ट में लिख देंगे, उर्दू रस्म अल-खत में लिख देंगे हिंदी के किसी लफ्ज़ को, तो वो उर्दू का नहीं हो जाएगा, लफ्ज़ तो हिंदी का ही रहेगा। तो ये जो अभी हम लोग गुफ्तगू इस बात की कर रहे थे कि गज़ल जो है वो कहीं दम ना तोड़ दे, ये खौफ है हमें, ये धड़का है, तो इसको बचाने के लिए ये बहुत अच्छा अमल है कि उसको अगर असल में आज के दौर की मजबूरियां ये हैं कि उर्दू रस्म अल-खत से वाकिफ़ जो लोग हैं वो कम रह गए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे ही नहीं तो रस्म अल-खत वो सीखेंगे कहाँ से, उनको हम बाकायदा। लेकिन वो थोड़ा बहुत चूंकि हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके घर में उर्दू बोली जाती है, एक माहौल तो है, तो वो लफ्ज़ों को तो वो जान लेते हैं लेकिन वो रस्म अल-खत से वाकिफ़ नहीं है। और जब रस्म अल-खत से वाकिफ़ नहीं है तो हम उनसे ये तवक्को करें या तो कि वो रस्म अल-खत सीखें, और मान लो वो उनके पास वक्त नहीं है या दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं सीखना चाह रहे, तो वो बेहतर है कि वो जवान दम तोड़ दे या वो गजल दम तोड़ दे, तो कम से कम वो जिंदा तो है इस बहाने से। बशीर बद्र साहब, डॉक्टर बशीर बद्र साहब जो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन रहे हैं और मेरे लिए एक उस्ताद का दर्जा वो रखते हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे। उनसे एक बार मेरी बड़ी तवील गुफ्तगू हुई थी इस बारे में, और उन्होंने मुझे ये बताया था कि देवनागरी में असल में मैंने एक शेरी मजमुआ जो मेरा था वो उसमें मैंने ये किया था कि एक साइड में हिंदी और एक साइड में उर्दू रस्म अल-खत में थी, वो उर्दू स्क्रिप्ट में। तो मैंने डॉक्टर बशीर बद्र साहब से ये कहा कि साहब क्या आप उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के, क्या हमारे इसको इमदाद आपके अकेडमी देगी? तो उन्होंने पहले तो साहब मना कर दिया, कह लगे यार असल में क्या है कि उर्दू अकेडमी की मजबूरियाँ ये हैं कि उर्दू की फ़रोग के लिए बनी है ये, उर्दू जबान में अगर उर्दू रस्म अल-खत में अगर किताब होगी तभी हम लोग इमदाद दे सकते नहीं। लेकिन फिर उनका फ़ोन आया दो घंटे बाद, कह लगे यार तुम एक काम करो तुम किताब भेज दो। तो कह लगे हम असल में क्या है, कह लगे करना अल्लाह को है और अल्लाह के बाद मुझे करना है क्योंकि चेयरमैन मैं हूँ। तो मैं तो कह लगे, उन्होंने बताया मुझे कि मैं तो इस पर बहुत लंबी लंबी बहसें मैंने लोगों से की हैं, लोग ऐतराज करते हैं इस पर, ऑब्जेक्शन करते हैं कि साहब देवनागरी में जो गज़ल लिख के पढ़ रहा है वो तो हम उसको शायर ही नहीं मानते। तो कह लगे कि साहब आपकी जबान ख़त्म हो जाए, आपकी उर्दू ख़त्म हो जाए, आपकी गज़ल ख़त्म हो जाए, उससे बेटर तो ये है कम से कम इस बहाने से जिंदा तो है वो। और वही बात उन्होंने कही थी कि अगर वो आज देवनागरी में लिख रहा है तो मुमकिन है कल वो उसको मोहब्बत हो जाए उर्दू जबान से, उर्दू जबान रस्म अल-खत से भी। हाँ, तो उसको तो कम से कम एक सिलसिला तो रहे, सिलसिला तो रहने दीजिए, आप तो सिलसिला ही तोड़ रहे हैं बिल्कुल। तो ये जो उनने डॉक्टर साहब ने बशीर बद्र साहब ने जो बात कही थी, मैंने इसलिए यहाँ उसको पेश किया कि उसका सिलसिला जो है वो आपके सवाल से जुड़ रहा है। और देवनागरी में अगर गज़ल अगर लिखने वाले अगर देवनागरी में गज़ल लिख रहे हैं हिंदी रस्म अल-खत में उसको लिख रहे हैं, आज तो मैं आपको ताज्जुब होगा सुन के कि उर्दू में गज़ल की किताबें अब छपी नहीं रही हैं ज़्यादा, वो जो छप रही हैं उनके पढ़ने वाले नहीं हैं। जो बड़े बड़े पब्लिशर्स भी हैं जो दिल्ली के बम्बई के, वो भी देवनागरी में जो उर्दू का जो लिटरेचर छपा हुआ है वो बिक नहीं रहा है, तो उसको देवनागरी में जब वो करके तो उसको वो लाते हैं मंजर-ए-आम पर तो उसकी सेल होती है। इसका मतलब गजल के चाहने वाले अभी मौजूद हैं, गजल को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर नहीं होते तो आप देवनागरी में लाइए चाहे उर्दू रस्म अल-खत में लाइए, उनको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेंगे वो। तो इसका मतलब ये है कि गजल को तो लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन उनके पास वो वक्त नहीं है या वो माहौल उनको नहीं मिल पा रहा है, वो हालात नहीं है, वो उनके संसाधन उनके पास नहीं है कि जो वो सीख सकें, क्योंकि उर्दू को सिखाने वाले जो मुल्ला मौलवी जो लोग हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं चूंकि तासुब का एक माहौल है, वो उनको उनसे नहीं सीखना चाहते वो, और दूसरे लोग उनको सिखा भी नहीं सकते, लेकिन उनको उस ज़बान से मोहब्बत है, उस गज़ल से मोहब्बत है। तो इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने जो
उर्दू टीचर्स की भर्ती स्कूलों में की थी कि जो उर्दू को पढ़ना चाहते सीखना चाहते तो उनको ये ना हो कि केवल मदरसों में ही जाना पड़े या मुल्ला मौलवी जो है उनसे ही उर्दू सीखना पड़े, स्कूलों में और कॉलेजेस में भी उर्दू के शोबे बनाए गए और उर्दू पे बहुत काम हुआ। आपको जान के ताज्जुब होगा सहबा साहब कि हिंदुस्तान से ज्यादा काम अमेरिका में हो रहा है उर्दू पर। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहां पर इतना काम उर्दू के लिए कर रहे हैं वो लोग, और उसके वहाँ रिसर्चर्स जो है PhD कर रहे हैं उर्दू के तमाम हिंदुस्तान के। अभी आप तो जानते ही, आप वाकिफ हैं, आपने उस किताब पे अपना मजमून भी दिया है। हमारे जहीर हसन साहब, जो प्रोफेसर जहीर हसन जो मथुरा के हैं, उनका उनने गालिब और कीट्स पर उनका मुवाजना किया है, उस पर एक वर्क किया है। तो इस तरह के काम करने वाले लोग जो हैं, तो काम तो आज हो रहा है उर्दू पे, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। और मुमकिन है कि धीरे धीरे ये सिलसिला और कम होता जाए, तो ये सिलसिला ना टूटे, ये सिलसिला कम ना हो। देवनागरी को माध्यम बना के अगर काम हो रहा है तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको फरोख देना चाहिए ऐसे काम करने वालों को और ऐसे अदीबों को। और बहुत सारे ऐसे हमारे अशोक रावत साहब हैं, आगरा से उनका ताल्लुक है और उर्दू रस्म-ओ-ख़त से थोड़ा सा वाकिफ है, लेकिन उस तरह गहराई से नहीं जानते, लेकिन बहुत काम कर रहे हैं उर्दू में। दुष्यंत कुमार का नाम आपने सुना ही होगा, सभी ने, हमारे सुनने वालों ने। दुष्यंत कुमार को उर्दू थोड़ी जानते थे, लेकिन उर्दू के शायरों में बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनके शेरों को कोट किया जाता है मुशायरों में, महफिलों में दुष्यंत कुमार को। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जबानों का फर्क जो होता है, कुछ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं असल में, जैसे लफ्ज है शहर। अब शहर को हिंदी वाले काफिया बनाते हैं और उसको नगर मगर, ये इसके हम भजन उसको ले लेते हैं, हम भजन काफिया मानते हैं उसको, जबकि वो है नहीं, वो 2+1 है और उसको 1+2 की तरह से इस्तेमाल करते हैं लोग। तो नहीं, 2+1 है, हाँ 1+2 की तरह उसको इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। तो ये टेक्निकल्स, लेकिन इसका हमारे दुष्यंत जी ने भी शहर को खबर और नजर और इनके हम भजन काफियों की तरह इस्तेमाल किया है, तो कोई ऐसी गलती नहीं है, ये टेक्निकल चीजें हैं और इसमें अगर हम नजरअंदाज करना चाहें तो हम इसको कर भी सकते हैं। हमें खुशी इस बात की होना चाहिए कि हमारी जबान का अदब, उर्दू का अदब जो गजल है, वो उर्दू जबान की विधा है। किसी भी जबान में गजल लिखी जाती है वो उर्दू की ही विधा रहेगी, उसका फॉर्मेट उर्दू का है। जो गजल का फॉर्मेट है वो फारसी उर्दू का है, अरबी का है, और कोई भी चाहे वो हिंदी में गजल लिखे चाहे पंजाबी में गजल लिखेगा, गजल लिखेगा तो गजल के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा उसे। तो हमें खुशी इस बात की होना चाहिए कि हमारे फॉर्मेट को वो फॉलो कर रहा है। आज हिंदी के गीत लिखने वाले, हिंदी की घनाक्षरी लिखने वाले गजल को तरजीह दे रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं। तो सिलसिला ये, हम तो ये चाहते कि ये सिलसिला आगे भी बना रहे और इसको प्रमोट हम लोग करते रहें। और दो जबानों के मेल से जब कोई एक नई जबान बनती है, ये नई जबान ही है जो एक हिंदी के लफ्ज और उर्दू के लफ्ज जो बीच बीच में वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गजल में, और वो जैसे अशोक राव साहब का मैंने जिक्र किया, बहुत खूबसूरती के साथ वो हिंदी और उर्दू जबानों के लफ्ज अपनी गजल में इस्तेमाल करते हैं। और गजलों की दुनिया के उनमान से असल में आज जो गजल पढ़ी जा रही है वो किताबों में कम पढ़ी जा रही है, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा पढ़ी जा रही है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुनी जा रही है, फेसबुक पे पढ़ी जा रही है, व्हाट्सएप पे पढ़ी जा रही है। तो हमारे अशोक राव साहब का एक बहुत कामयाब ग्रुप है गजलों की दुनिया, जिसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के भी जो अदीब हैं, गजल लिखने वाले हैं, 35,000 से ज़्यादा लोग उनके ग्रुप से जुड़े हैं और अपनी गजलों को उसमें पोस्ट करते हैं। वो एक ग्रुप बन गया है पूरा बाकायदा। ऐसे और भी ग्रुप हैं, इब्राहिम अश्क हैं जो बजमे अश्क करके शायद उनका एक ग्रुप है, वो उसमें बहुत फिल्मों में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, बहुत कामयाब गीतकार भी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। तो हमारे सागर त्रिपाठी साहब आदाब अर्ज करके व्हाट्सएप पर उनका बड़ा कामयाब ग्रुप है जिसमें कि तमाम दुनिया से लोग अपनी गजलों को पोस्ट करते हैं। तो वो सब ज़्यादातर या तो रोमन में करते हैं या फिर वो उसमें देवनागरी में करते हैं। असल में एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है कि कंप्यूटर और जो आजकल एंड्रॉयड और जो मोबाइल जो चल रहे हैं स्मार्टफोन, इसमें उर्दू की जो टाइप करने की जो प्रॉब्लम्स लोग महसूस करते हैं, उसको उर्दू में उतना टाइप करने की सुविधा उसमें नहीं होती है। तो वो ज़्यादातर अपना जो गज़ल है, अगर वो उर्दू जवान से वाकिफ भी हैं तो भी जब उन्हें इंटरनेट पर वो गज़ल पोस्ट करना पड़ती है, डालनी पड़ती है, तो वो या तो रोमन में डालते हैं या देवनागरी में डालते हैं। तो उसको पसंद किया जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं।
इसी तरह से लिखने वाले हमारे जो हैं गजल को किताबें जो छप रही हैं, अपनी किताब छपवाते हैं, गजल का शेरी मजमुआ जिसको हम गजल कलेक्शन कहते हैं वो देवनागरी में, ज्यादातर हमने अभी बताया कि 70% 80% जो उर्दू के जो गजलों के कलेक्शन है, यहाँ तक के दाग गालिब जौ मीर मोमिन जो पुराने शोरा थे जिनको जिनका जिन्होंने बहुत काम किया है उनकी भी गजलों को देवनागरी स्क्रिप्ट में मंजरे आम पर लाया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि उनको पसंद किया जाता है, अगर पसंद नहीं किया जाता तो उसको देवनागरी में लिख के क्यों लाते, पब्लिशर उस पर इतना इन्वेस्ट क्यों करते, उनकी किताबें क्यों छापते। इसका मतलब ये है कि देवनागरी में गजल को पढ़ा जा रहा है, और जब पढ़ा जा रहा है तो हमें भी उसको फर्क देना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। शेर रजा में हम सभी हजरात ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपने शेर अदब के लिए, गज़ल के लिए, उर्दू अदब के लिए बे इंतहा अपने खदमात इसमें अपनी आपने दी हैं। आपने हिंदुस्तान के बड़े और नुमाया शारों को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे ऑल इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मुशाहरे आपने करवाए हैं, और मकामी अखबार से देखें तो आपने बेशुमार नशस्तें बेशुमार मुशाहरे अपनी जाति में करवाए हैं। आपने उर्दू की को इंतहा पहुँचा, उर्दू गज़ल उर्दू शायरी को इंतहा पहुँचाते हुए जब आपने ये भी किया था कि एक समारोह में आपने शपथ ग्रहण समारोह भी रखा था जिसमें आपने शपथ दिलवाई थी कि हम अगर जियेंगे जिंदा रहेंगे तो गज़ल के लिए, उर्दू के लिए, अदब के लिए, और इसमें आपकी नुमाया कोशिशें रहीं, और मैं महसूस करता हूँ कि ये आपकी तमाम सेक्रीफाइसेस हैं, आपकी मेहनतें हैं, आपकी कोशिशें हैं कि आपने उर्दू अदब उर्दू माहौल को यहाँ उसी तरह से जिंदा रखा है, आज भी उसको फाल रखा है, आज भी उसको एक्टिव रखा है कि सब जानते हैं कि उर्दू अगर आज झांसी में है तो उसके महवर में, उसके केंद्र में हमारे राजकुमार अली साहब हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हम ये भी जानते हैं कि उर्दू अदब और उर्दू वज़नों को लेकर अंजन साहब ने तकरीबन 11 या 12 एक दर्जन से ज़्यादा अपने मजमू शायद किए हैं, और उसमें उनके गीत भी शामिल हैं, नज़में भी शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर गज़लियात हैं। गज़ल की इंतहा यह है, उनके गज़ल की मकबूलियत की इंतहा यह रही कि उनकी एक मजमू को एक प्रिंसिपल महाराज की वो इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने उस उर्दू गज़ल का महाराज के में उसका तर्जुमा किया, उसका वहाँ पर विमोचन किया शरद पवार जी के सरपरस्ती में, और इनकी उर्दू और उर्दू गज़ल की शोहरत को बहुत आगे बढ़ाया। जब आपकी गज़ल और उर्दू अदब के बारे में आपकी शोहरत यह है, मैं उसका सलाम करता हूँ, साथ ही आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने फिर गज़ल लिखी है, अगर आप इनायत फरमाए तो अपनी गज़ल के कहीं से भी ज़्यादा भी आप चाहें कुछ के कुछ गज़ल के कहीं से भी आप इनायत फरमाए तो बहुत बहुत नवाजिश होती है आपकी मेहरबानी का। सेवा साहब, असल में हम जो यहाँ बैठे हैं वो उर्दू और उर्दू गज़ल और उर्दू अदब पे गुफ्तगू के लिए बैठे थे, लेकिन आपकी जो फरमाइश है उसको मैं इतनी आसानी से, आपका एक बहुत बड़ा कद है और मेरी ये मजाल नहीं हो सकती कि मैं आपकी फरमाइश को नज़रअंदाज कर दूँ, तो मैं दो शेर केवल पेश करना चाहता हूँ, और दो शेर मैं पेश करूँगा मैं उसके लिए, लेकिन उसके पहले मैं आपने जो मुझे याद दिलाया कि मेरी किताब को उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया, गजल गजलम फलांचम ऋतु सत्यम, ये इस उन्वान से मराठी में उन्होंने गजल के फूल, हमारी एक शेरी मजमुआ था, गजल कलेक्शन था जो तमाम हिंदुस्तान में जिसको बहुत मकबूलियत मिली और बहुत पसंद किया गया, तो उनको कहीं वो हमारे पब्लिशर ने वहाँ नागपुर से उनका ताल्लुक है महाराष्ट्र से, वहाँ उनको वो कहीं पुस्तक मेले से वो किताब मिली और उन्होंने उस पर मेरा फ़ोन नंबर था तो मुझसे ये परमिशन मांगी, कहने लगे कि सर भाई साहब ये आपकी जो गज़ल गज़ल की जो कलेक्शन है इसमें से मैं मैंने गुस्ताखी की कि यहाँ का एक
हमारे जो अखबार है यहाँ का एक बड़ा अखबार है मराठी का, तो आपकी एक गजल हम उसमें लेके उसकी व्याख्या हम करते हैं मराठी में। उस सिलसिले को बहुत पसंद किया गया है, यहाँ बहुत पसंद करते हैं नागपुर में भुसावल में उर्दू अदब को, उर्दू गजल को, और उर्दू से वाकिफ नहीं है वो रस्म-ul-खत से, तो उनको ये मसाइल पेश आते हैं कि उसको वो समझ नहीं पाते, तो उनको बहुत पसंद आया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी पूरी किताब का उसको मैं एक उसका हाँ रूपांतर कर दूँ मैं उसको मराठी जबान में। शरद पवार साहब जो बहुत बड़ा नाम रहे हैं सियासत की दुनिया का, उनका अमरावती वहीं नज़दीकी एक जगह है, वहाँ उससे उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने उसकी किताब का विमोचन वहाँ किया था और उन्होंने उसको पब्लिश कराया उसको मराठी में, उसको बीएड कॉलेज में डॉक्टर नसीम पठान एक बड़ा नाम जो उर्दू में भी लिखती हैं और मराठी में भी लिखती हैं, उन्होंने दोनों जबानों से वाकिफ थी और उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके उसको बाकायदा उसका रस्म इजरा बहुत बड़े पैमाने पर कराया। शरद पवार साहब भी उसमें मौजूद थे, सुप्रिया सुले जो सांसद हैं जो उनकी बेटी हैं, तो उनकी सबकी मोहब्बतें हमें मिली उस प्रोग्राम में। हमने ये अभी कहा था आपसे कि असल में किसी जबान का नहीं होता कोई भी अदब, इंसानी नफ्सियात की बात होती है, साइकोलॉजी की बात होती है, तो वो जो हमारी गजलें थी उनको इस तरह से मराठी में ट्रांसलेट किया उन्होंने, मैं उनका शुक्रिया इस मौके पर अदा करना चाहता हूँ। और अभी आप जो हिंदी की बात कर रहे थे, देवनागरी की बात कर रहे थे, उसी तरह का ये सिलसिला है। मैं तो ये चाहता हूँ कि दीगर जबानों में, ना केवल देवनागरी हिंदी में बल्कि और दीगर जबानों में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, ये काम होना चाहिए उर्दू गजल के लिए और हो रहा है। डॉक्टर कलीम कैसर साहब अभी आए थे यहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि 42 जबानों में गजल लिखी जा रही है दुनिया की जी, तो गजल का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है और हमें उम्मीद करना चाहिए कि अभी और अच्छा दौर आएगा गजल के लिए। उर्दू जबान जो है ना वो अगर गजल रहेगी तो उर्दू जबान भी रहेगी, उर्दू जबान कभी दम तोड़ नहीं सकती, लेकिन उसके लिए हमें गजल को जिंदा रखना होगा। आपने फरमाइश की थी, मैं दो शेर अपनी गजल के तरनुम से मैं पेश करना चाहता हूँ। तेरी चाहत के चरागों का धुआं रहने दिया, तेरी चाहत के चरागों का चाहत के चरागों का धुआं रहने दिया, हमने तेरा ख्वाब आँखों में जवाने, हमने तेरा ख्वाब आँखों में जवाने दिया। हुस्ने मतलब और मिलाए फरमाए हजरत, उनका किस्सा सुन लिया अपना बयां रहने दिया, उनका किस्सा सुन लिया अपना बयां रहने दिया, हमने उनको जिंदगी
शेर पेश किए, अगर आप हजरात अगर पसंद इसको फरमाएं और इसको पूरा सुनना चाहें तो यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है राजकुमार अंजुम के नाम से, उसमें उर्दू एकेडमी लखनऊ ने एक बहुत बड़ा मुशायरा भी अरेंज किया था, उसमें मैंने इस गजल को पूरा पढ़ा है, आप वहां जाके इसको सुन सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, और इकबाल हसन साहिबा साहब का भी मैं शुक्रिया इस एतबार से अदा करना चाहता हूँ कि आज की जो गुफ्तगू है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये उन्हीं का है, अगर वो इस ख्याल को अगर आगे नहीं बढ़ाते तो मुमकिन है कि ये गुफ्तगू हम शायद यहाँ ना कर रहे होते। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आपने इतना वक्त दिया हमें सुनने के लिए, और बहुत जल्द फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए उन्वान के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। अल्लाह हाफिज़।